हाय गाइस, सो बेसिकली आज हम बात करेंगे एक मटेरियल इश्यूएंस सिस्टम के बारे में। तो इसी सिस्टम से आप मटेरियल इशू भी कर सकते हो अपने प्लांट में अपने वर्क के अकॉर्डिंग। सो बेसिकली ये एक कंसर्न क्लाइंट के लिए डेवलप किया गया है। तो ये कैसे वर्क करता है ये उसके रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। सो बेसिकली मटेरियल इशू भी किया जाएगा और इशू करने के बाद सेम मटेरियल जो आपने इशू किया है माइट बी ड्यू टू सम रीज़न वो मटेरियल आपके पास कुछ रिटर्न आ जाता है उसका पार्ट, तो आप सेम यूनिक आईडी जो आपकी जनरेट होगी उसी में ही आप उसको वापस भी ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आगे चल रहा है वो एक्यूरेट रहेगा। यानी अगर आपने किसी भी एक आर्टिकल के रेफरेंस में उसको 100 kg ऑफ मटेरियल दिया है और उसने 100 kg से 80 kg का प्रोडक्शन दे दिया एंड द रेस्ट जो 20 kg है वो आपको रिटर्न करता है, तो आप सेम उसी यूनिक आईडी से जिस नंबर पे आपने जिस रिसिप्ट आईडी पे आपने मटेरियल इशू किया था आप उसी पे ही रिटर्न ले सकते हैं उसको, जिससे आपके आईएमएस में जो 100 kg आपने इशू किया था उसमें वो 20 kg प्लस कर लेगा वापस। तो आपको दिखा देगा कि आपने 100 kg तो इशू किया था बट 20 kg वापस आ गया, तो दैट मीन्स कि आपने 80 kg ही इशू किया। प्रैक्टिकली ये वर्क कैसे करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज आप देख पा रहे हैं मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली बता रहा है कि जो अपनी हमारी रिसिप्ट आईडी जो बनेगी वो 3 नंबर की बनेगी, इसमें हमें कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। सो बेसिकली मैंने कह दिया मैं रॉ मटेरियल इशू कर रहा हूँ क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से मटेरियल मूव होता है। मैंने कहा कि मैं रॉ मटेरियल इशू कर रहा हूँ इशूड, और किस डिपार्टमेंट के लिए इशू कर रहा है किस प्रोसेस के लिए इशू कर रहा हूँ वो प्रोसेस में डिफाइन कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि मैं प्रेसिंग के लिए इशू कर रहा हूँ और ऑपरेटर का नाम है सपोज शैलेंद्र सिंह, और जो मेरी मशीन आईडी है मशीन नंबर है, मैंने मशीन नंबर डिफाइन कर दिया, मशीन नंबर 1 पे चलेगा ये प्रोडक्ट। और मैंने यहाँ डिफाइन किया है कि जो मैं इनको दे रहा हूँ मटेरियल इशू कर रहा हूँ मटेरियल क्या है, तो मैंने यहाँ पे कह दिया मेरा मटेरियल है COIL यानी कॉइल। तो जितनी भी मेरी कॉइल हैं ऑटोमेटिकली आईएमएस में वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी। तो मैं कॉइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा रेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी इसमें। सेकेंड मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं एक प्लेट इशू कर रहा हूँ तो मैं प्लेट टाइप करूंगा, तो मेरा अगर कोई प्लेट होगा तो प्लेट निकल के आ जाएगा। सो एल्स मैं यहाँ पे प्लेट की जगह यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि पट्टा करके एक वो है इनका जो प्लेट है, बेसिकली उनको पट्टा करके बुलाते हैं। तो एक पट्टा मैंने ये इशू कर दिया एंड एक और मैं इशू कर रहा हूँ। सो बेसिकली इसमें आप 100 ऑफ आइटम्स एट अ सेम टाइम इशू कर सकते हैं। तो लाइक मैंने अभी 3 आर्टिकल इशू कर दिए और मैं यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ कि मैंने इसमें इनको 100 kg दिया है, सेकेंड वाले में 200 kg एंड थर्ड वाले में 250 kg। साथ के साथ सिस्टम मेरा स्टॉक कितना मेरे पास अवेलेबल है उस प्रोडक्ट का साथ के साथ वो भी बता देगा। राइट, रिटर्न क्वांटिटी तो अभी कुछ है नहीं क्योंकि मैं मटेरियल बेसिकली इशू कर रहा हूँ, तो मैं 0-0 इनपुट कर दूंगा एंड देन नेक्स्ट चलते हैं। तो अब बेसिकली हम ये प्लानिंग कर रहे हैं क्योंकि मैं आपको ये मटेरियल जो दे रहा हूँ उससे आप मुझे क्या बना के दोगे। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया फॉर एग्जाम्पल कि जो पहला कॉइल दिया है मैंने 0.48 mm का, इससे तो आप मुझे एक पूजा की थाली इनर प्लेट बना के दोगे, ये मैं जो उस ऑपरेटर को दे रहा हूँ शैलेंद्र सिंह को। राइट, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि आप एक पूजा की थाली मुझे बना के दोगे एंड सेकेंड आर्टिकल जो पट्टा दे रहा हूँ उससे क्या बना के दोगे, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि उससे आप मुझे बना के दोगे प्लेट। प्लेट मैंने टाइप किया तो मेरी देखिए प्लेट आ गई सारी यहाँ पे, एक मेरी है बेगी बारात प्लेट 10 और एक मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि लाइक बाउल है अगर कोई कि आप मुझे इससे बाउल बना के दोगे, क्योंकि बेसिकली आप जैसे कि देख पा रहे हैं ये जो आर्टिकल है ये सारा रॉ आर्टिकल है, एल्यूमिनियम है और इससे हमें चेंज करना है, सॉरी स्टील है, इससे हमें आर्टिकल फिनिश में कन्वर्ट करना है, प्रेसिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि हमारा फाइनल ये आर्टिकल आ गया। राइट गाइज, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन फुल हो गई, यहाँ पे हमारा जो जो इन्फॉर्मेशन फुल होती जा रही है स्टेटस में चेक चेक आता जाएगा एंड रेस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि मेरे को जो मटेरियल मेरा देना है वो ये मटेरियल है यहाँ पे। राइट, तो आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन फुल हो गई, मेरा ऊपर का स्टेटस भी ओके हो गया एंड देन जस्ट क्लिक ऑन टू यस। तो बेसिकली क्या होगा, इसका PDF रिकॉर्ड एक जनरेट हो जाएगा और डेटा बैकएंड में स्टोर होने लगेगा। तो आप देख पा रहे हैं कोड मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है और डेटा प्रोसेस होना शुरू हो गया है और डेटा मेरा बैकएंड में स्टोर हो जाएगा। ओके, सो आपने देखा कि बैकएंड में मेरा डेटा भी स्टोर हो गया है और हम वापस इंटरफेस पे आ गए हैं, फ्लैश इंटरफेस पे आ गए हैं। एंड आपने देखा पहले हमारी जो यूनिक आईडी थी वो 3 थी, अभी यूनिक आईडी 4 हो गई है। तो गाइज अब वापस अगर मैं आपको बैकएंड में लेके चलता हूँ, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जो मेरा
बेसिकली बैकएंड है वो कैसा, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डिफरेंट यूनिक आईडी से मेरा डेटा स्टोर हुआ है, 2 नंबर, 1 नंबर, फिर 3 नंबर। तो मैं पहले ये ब्लैंक रोज हैं कुछ, मैं वो डिलीट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने इतना मेटल इशू किया है। अब ये हमने 3 यूनिक डिफरेंट डिफरेंट नंबर पर मेटल इशू किया हुआ है, पहले हमने जो लेटेस्ट अभी किया वो सिर्फ 3 नंबर है। ये तो हो गया बेसिकली कि हमने मटेरियल इशू किया। अब हम बात करते हैं कि एक मटेरियल हमने इशू किया था स्लिप नंबर 3 में, तो मुझे उसको अपडेट करना है, उससे मटेरियल मेरा कुछ वापस आ गया। तो मैंने यहाँ पे सपोज 1 नंबर की बात कर लेते हैं, क्योंकि पुरानी रिसिप्ट रहेगी ये, मैं पुरानी रिसिप्ट सेलेक्ट करूंगा तो आप देख पाएंगे मेरा सारा डेटा फैच होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे प्रोसेस दिखा रहा है और डेटा वन बाय वन यहाँ पे करके आ रहा है, राइट। मैंने ओके किया तो आप देखेंगे सारा डेटा मेरा फिल्ड हो गया सिस्टम पर, राइट। अब इसमें अगर आपको लगता है कि कुछ और भी आपने इशू किया है तो आप एडिशनल पार्ट भी डाल सकते हैं, और फिर थिंक कि नहीं हमने कुछ और के साथ साथ हमने कुछ और भी इशू किया था प्लस कुछ रिटर्न भी आ गया है। तो जैसे कि अभी आप यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे डाल दिया 10, और आप कहते हैं कि इसमें से रिटर्न भी आया है 10 का और इसमें से 50 का रिटर्न है, ये डाल के आप यहाँ पे नल कर सकते हैं। जो लास्ट प्रोडक्ट है उससे क्या बनेगा, तो उससे भी हमने डाल दिया यहाँ पे, लाइक एक थाली बनेगी, मैंने बोल दिया एक ये वाली हमारी थाली बनेगी एक, या परफेक्ट, राइट। तो आपने देखा मेरा पहले हमारे 3 आर्टिकल थे सेम आईडी में, अब 4 हो गए हैं। अब मैं इसको वापस स्टोर करा देता हूँ। तो मेरा डेटा बैकएंड में स्टोर होना शुरू हो गया है। सो बेसिकली जो एग्जिस्टिंग लीड थी या एग्जिस्टिंग डेटा था बैकएंड से, वो डिलीट हो जाएगा और उसकी जगह पे सबसे नीचे लेटेस्ट डेटा स्टोर हो जाएगा डेटाबेस में या रिस्पॉन्सेज में हम बात करते हैं। तो बेसिकली वो कैसा स्टोर होगा मैं वो भी आपको दिखा दूंगा अभी। तो मैं बेसिकली फिर से आपको लेके चलता हूँ एक बार रिस्पॉन्सेज वाले पैनल पे, तो वहाँ मैं आपको दिखा पाऊंगा कि जो पुरानी अगर कोई आईडी है मेरी जो 1 नंबर पे मेटल इशू था, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अब 2, 3 और 1 आ रहा है। जो 1 नंबर सबसे ऊपर था वो डेटा डिलीट हो चुका है और सबसे नीचे लेटेस्ट एंट्री हिट हो गई है, राइट। अगर आप फिर से पेज फॉर्मेट पर जाते हैं तो आप देख पाएंगे आपकी जो यूनिक आईडी जनरेट हो रही है वो यूनिक आईडी हमेशा सीरीज में चलेंगी, चाहे आप कोई भी आईडीज का डेटा अपडेट करो, ये सीरीज आपकी चेंज नहीं होगी, यानी ये वन बाय वन चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपने अगर 3 नंबर तक डेटा इशू कर दिया और आप 2 नंबर को रिवाइज कर रहे हो तो फिर से ये 3 नंबर दिखाएगा, ऐसा नहीं है, राइट गाइज। तो आपने देखा यहाँ पे हमने डेटा अपडेट ऐड भी किया और डेटा अपडेट भी कर दिया। सिमिलरली अगर मैं आपको यहाँ पे फैच करके दिखाता हूँ जो हमने लेटेस्ट डेटा ऐड किया था रिसिप्ट आईडी नंबर 3 का, मैं रिसिप्ट आईडी नंबर 3 सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे देखेंगे मैसेज मेरा आ गया कि डेटा हैज बीन रिट्रीव सक्सेसफुली विद द रिसिप्ट आईडी नंबर, राइट। मैंने ओके किया तो यहाँ पे मेरा बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा पेज, राइट गाइज। तो आपने देखा मेरा डेटा यहाँ पे रिफ्रेश हो गया। अगर आपको लगता है कि इसमें से मुझे ये वाला मटेरियल है उसने फुल फ्लैश मुझे वापस कर दिया है, तो सेम इसी आर्टिकल की आप यहाँ से या तो इसको रिमूव कर दीजिए या आप इसी आर्टिकल की रिटर्न की एंट्री भी पास कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है। इफ़ यू थिंक कि मुझे रिसीव वापस इसको रिटर्न करना है, तो मैंने नल कर दिया और जो रिसीव क्वांटिटी थी वो भी मैंने नल कर दी। एंड आपने देखा मैंने 2 क्वांटिटीज जो मेरी थी लास्ट की नल कर दी। तो अभी मैं इसी का ना आपको पीडीएफ दिखाता हूँ। पहले बेसिकली जो पीडीएफ जनरेट होता है वो कैसा पीडीएफ जनरेट होगा, तो 3 नंबर पे हम क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे पहले हमने इस पे 3 आर्टिकल इशू किए हुए थे, राइट गाइज। तो आपको देखेंगे इस वाली पीडीएफ में 3 आर्टिकल दिखेंगे, सबका रिकॉर्ड जब जैसे जैसे आप जनरेट करते जाएंगे इशुएंस रिसिप्ट, उसका सबका रिकॉर्ड बैकएंड में जनरेट होता जाएगा और उसकी आप पीडीएफ स्लिप भी देख सकते हैं जब भी चाहें। जब भी आप उसको अपडेट करेंगे तो आपकी पीडीएफ रिकॉर्ड भी ऑटोमेटिकली अपडेट होगा, ना कि डुप्लीकेट एंट्री उसके नीचे अपेंड होगी। सो पीडीएफ में हमेशा आपको यूनिक नंबर्स का डेटा मिलेगा। तो लाइक अभी तो जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं पहले 3 नंबर आर्टिकल थे यहाँ पे, रिसिप्ट नंबर 3 में 3 आइटम है, राइट। अब हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं, मैं इसको ओपन करके रखूंगा जैसे कि मैं आपको दोनों चीजें दिखा पाऊँ। तो अब हमने क्या किया, अब हमने उसको रिवाइज कर दिया, रिवाइज में हमने सिर्फ 2 आर्टिकल डाले और मैं यहाँ पे जाके हिट कर देता हूँ यस।
तो आप देखेंगे कोड एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया है। सो बैकएंड से नई एंट्रीज को स्टोर करा देगा और जो पुरानी एग्जिस्टिंग एंट्री होगी उसको डिलीट करा देगा, जिससे कि आपका डेटा डुप्लीकेट टाइम पे स्टोर ना हो। राइट, मैंने ओके किया। अब मैं एक बार आपको फिर से पीडीएफ दिखा देता हूँ। रिसिप्ट रिकॉर्ड में जाऊंगा और मैं सेम पीडीएफ को फिर से ओपन करूंगा। सो गाइज, आप इस पीडीएफ में देखेंगे कि दो ही आर्टिकल आए हैं। यूनिक आईडी नंबर देख लीजिए, तीन नंबर है, इसमें दो ही आर्टिकल आए हैं। और अगर आप इस वाली पे बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे तीन आर्टिकल आए हैं। राइट, तो अब बेसिकली जो आईएमएस में आगे गया है वो तीन आर्टिकल वाला नहीं गया, ये दो आर्टिकल वाला वो मटेरियल इशू हुआ है। जब भी आप अपडेट करेंगे तो आपका आईएमएस भी साथ के साथ, ये जो मैं आईएमएस दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे, ये आईएमएस भी आपका साथ के साथ अपडेट होता रहेगा, ये आईएमएस भी आपका साथ के साथ अपडेट होता रहेगा। सो दिस इज द मटेरियल इशुएंस सिस्टम विद मल्टीपल ऑफ एंट्री। यू कैन इशू अ मटेरियल टू द प्रोडक्शन प्लांट और टू द डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।